Hello everyone, welcome to another one of our Gamma videos. If you haven't watched any of our videos yet, this is Rahil. Guys, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं, जैसे कि वो तुम्हारा बेटा है, मेरा नहीं, ये उसका मसला है, मेरा नहीं, ये तुम्हारी गलती थी, मेरी नहीं. तो मेरा नहीं, मेरी नहीं, इसको इंग्लिश में बोलने के लिए हम यूज़ करते हैं नॉट माइंड का. इस वीडियो में हम इससे रिलेटेड और भी सेंटेंसेज देखेंगे, यानी कि ना सिर्फ नॉट माइंड के बल्कि इससे रिलेटेड हम और भी सेंटेंस वीडियो में देखने वाले हैं. जब आप वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा गाइस. तो चलिए आप इसके कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं गाइस. मान लीजिए गाइस, अगर कोई बोलता है कि वो तुम्हारा बेटा है, मेरा नहीं, वो तुम्हारा बेटा है, मेरा नहीं, इसकी बनेगी ही इज़ योर सन नॉट माइन. ही इज़ योर सन नॉट माइन, यानी कि वो तुम्हारा बेटा है, मेरा नहीं. मान लीजिए अगर कोई बोलता है कि ये उसका मसला है, मेरा नहीं, ये उसका मसला है, मेरा नहीं, इसकी इंग्लिश बनेगी इट्स हिज प्रॉब्लम नॉट माइन. इट्स हिज प्रॉब्लम नॉट माइन, यानी कि ये उसका मसला है, मेरा नहीं. मान लीजिए अगर कोई बोलता है कि ये तुम्हारी गलती थी, मेरी नहीं, ये तुम्हारी गलती थी, मेरी नहीं, इसकी इंग्लिश बनेगी इट वॉज योर मिस्टेक नॉट माइन. इट वॉज योर मिस्टेक नॉट माइन, यानी कि ये तुम्हारी गलती थी, मेरी नहीं. मान लीजिए अगर कोई बोलता है कि ये तुम्हारा आइडिया नहीं है, ये मेरा है, ये तुम्हारा आइडिया नहीं है, ये मेरा है, इसकी इंग्लिश बनेगी इट्स नॉट योर आइडिया, इट्स माइन. इट्स नॉट योर आइडिया, इट्स माइन, यानी कि ये तुम्हारा आइडिया नहीं है, ये मेरा है. मान लीजिए अगर कोई बोलता है कि वो आपके दोस्त हैं, मेरे नहीं, वो आपके दोस्त हैं, मेरे नहीं, इसकी इंग्लिश बनेगी दे आर योर फ्रेंड्स नॉट माइन. दे आर योर फ्रेंड्स नॉट माइन, यानी कि वो आपके दोस्त हैं, मेरे नहीं. मान लीजिए अगर कोई बोलता है कि ये घर मेरा है, तुम्हारा नहीं, ये घर मेरा है, तुम्हारा नहीं, इसकी इंग्लिश बनेगी दिस हाउस इज माइन नॉट योर्स. दिस हाउस इज माइन नॉट योर्स, यानी कि ये घर मेरा है, तुम्हारा नहीं. मान लीजिए अगर कोई बोलता है कि ये टॉम का पेन है, मेरा नहीं, ये टॉम का पेन है, मेरा नहीं, इसकी इंग्लिश बनेगी दिस इज टॉम्स पेन नॉट माइन. दिस इज टॉम्स पेन नॉट माइन, यानी कि ये टॉम का पेन है, मेरा नहीं. मान लीजिए अगर कोई बोलता है कि ये टॉम का मसला नहीं है, ये मेरा है, ये टॉम का मसला नहीं है, ये मेरा है, इसकी इंग्लिश बनेगी इट्स नॉट टॉम्स प्रॉब्लम इट इज़ माइन. इट्स नॉट टॉम्स प्रॉब्लम इट इज़ माइन, यानी कि ये टॉम का मसला नहीं है, ये मेरा है. मान लीजिए अगर कोई बोलता है कि ये मेरा है, उसका नहीं, ये मेरा है, उसका नहीं, इसकी इंग्लिश बनेगी इट्स माइन नॉट हिज. इट्स माइन नॉट हिज, यानी कि ये मेरा है, उसका नहीं. अब हमने यहाँ पे हिज यूज़ किया, इसका मतलब ये है कि हम मेल के बारे में बात कर रहे हैं. अगर आप फीमेल के बारे में बात कर रहे हैं तो आपको हर्स लगाना पड़ेगा, जैसे कि इट्स माइन नॉट हर्स. इट्स माइन नॉट हर्स, यानी कि ये मेरा है, उसका नहीं. मान लीजिए गाइस, अगर कोई बोलता है कि ये रहा आपका पेन, मेरा कहाँ है, ये रहा आपका पेन, मेरा कहाँ है, इसके बनेगी हेयर इज योर पेन वेयर इज माइन. हेयर इज योर पेन वेयर इज माइन, यानी कि ये रहा आपका पेन, मेरा कहाँ है. मान लीजिए गाइस, अगर कोई बोलता है कि आपकी राय मेरे जैसी ही है, आपकी राय मेरे जैसी ही है, मतलब आपकी राय मेरे राय के जैसी ही है, इसकी इंग्लिश बनेगी योर ओपिनियन इज सिमिलर टू माइन. योर ओपिनियन इज सिमिलर टू माइन, यानी कि आपकी राय मेरे जैसी ही है. अब हमने यहाँ पे डायरेक्ट माइन का यूज़ कर दिया, यानी कि हमने जो है वो सेंटेंस को शॉर्ट बना दिया, यानी कि हमने माई ओपिनियन के जगह डायरेक्ट माइन का यूज़ कर दिया. योर ओपिनियन इज सिमिलर टू माइन, तो अब इस तरह से माइन का यूज़ कर सकते हैं. मान लीजिए अगर कोई बोलता है कि आपकी साइकिल मेरे जैसी ही है, आपकी साइकिल मेरे जैसी ही है, मतलब आपकी साइकिल जो है वो मेरे साइकिल के जैसी ही है, इसकी इंग्लिश बनेगी योर बायसाइकिल इज सिमिलर टू माइन. योर बायसाइकिल इज सिमिलर टू माइन, यानी कि आपकी बायसाइकिल मेरे बायसाइकिल के जैसी ही है. अब हमने यहाँ पर भी डायरेक्ट माइन का यूज़ कर दिया, यानी कि सेंटेंस को शॉर्ट कर दिया, यानी कि माई बायसाइकिल की जगह मैंने लिख दिया माइन, तो आप इस तरह से माइन का यूज़ कर सकते हैं गाइस. मान लीजिए गाइस, अगर कोई बोलता है कि मैं तुम्हारा हूँ और तुम मेरी हो, मैं तुम्हारा हूँ और तुम मेरी हो, इसकी बनेगी आई एम योर्स एंड यू आर माइन. आई एम योर्स एंड यू आर माइन, यानी कि मैं तुम्हारा हूँ और तुम मेरी हो. मान लीजिए गाइस, अगर कोई बोलता है कि वो मेरा है, मुझे नहीं मालूम कि आपका कहाँ है. वो मेरा है, मुझे नहीं मालूम कि आपका कहाँ है. अब वो कुछ भी हो सकता है, पेन हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, तो इसकी बनेगी दैट इज माइन. आई डोंट नो वेयर योर्स इज. That is mine. I don't know where yours is. यानी कि वो मेरा है, मुझे नहीं मालूम कि आपका कहाँ है. सो गाइस, बस यही था आज की इस वीडियो में. तो मैंने आपको बता दिया कि हम इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बनाते हैं, तो आप इस पर और सेंटेंस बनाइए, इसकी और प्रैक्टिस करिए. As I always say, practice makes a man.
परफेक्ट, यानी कि प्रैक्टिस जो है वो आपको परफेक्ट बनाती है। ओके, तो प्लीज रिमेंबर टू लाइक दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स अ लॉट।